सत श्री अकाल फ्रेंड्स, हरजीत की रसोई में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, मैं अपने चैनल में रोज नई नई किचन टिप्स और यूनिक सी रेसिपीज लाती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो आप मेरा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज मैं लाई हूँ बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स, जो कि आपका काम भी आसान करेंगी, टाइम बचाएंगी और वेस्टेज से भी बचाएंगी। तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। ये मेरी टिप है, सब्जी में कभी कभार ऐसा होता है कि नमक ज़्यादा हो जाता है, तो वैसे तो हम बहुत कुछ करते हैं उसके लिए, जैसे कि हम आटे की बॉल्स बनाकर उसमें डाल देते हैं, पर आज जो मैं टिप दे रही हूँ ये बहुत ही अच्छी है। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो सब्जी का नमक ठीक हो जाता है, साथ में अगर सब्जी की ग्रेवी थिक नहीं है, पतली रह गई है ना, तो वो भी थिक हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने लेने हैं भुने हुए चने, ये देखिए मैंने लिए, इसको पीस लेना है। फिर आपको इसमें डालना है सब्जी में, तो एक चम्मच में डाल रही हूँ, जितना आपको लगे, ज़रूरत लगे नमक, जिस हिसाब से आपका ज़्यादा उस हिसाब से डाल लेना, तो इससे सब्जी में नमक भी ठीक हो गया और साथ में ग्रेवी भी जो ठीक हो गई है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम देसी घी निकालने गैस पर रख देते हैं और भूल जाते हैं, तो घी जो है जल जाता है, उसमें क्या होता है स्मेल भी आ जाती है और उसका कलर भी काफ़ी डार्क हो जाता है, तो वो खाने में भी अच्छा नहीं लगता है और साथ में इसको हम फिर यूज़ भी नहीं कर पाते हैं। तो उसको कैसे ठीक करें, ये मेरी टिप है। तो ये मैंने लिया है गिलास, इसमें डालेंगे हम दही। आपने दही लेनी है जो फ्रेश हो, तो दो चम्मच मैंने दही डाली है, इसको हम फेंट लेंगे। तो मैंने विस्कर ले लिया है और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा ही डालना है। तो ये हमने छाछ बनानी है, अगर आपके पास तैयार पहले से ही बनी हुई छाछ है तो आप वो ले सकते हो। तो ये देखिए छाछ बनकर तैयार हो गई। अब घी को गर्म करना है, तो इसे मैंने काले पैन में डाल दिया था, इसमें कलर अच्छी तरह नहीं दिख रहा है, तो मैं इसे स्टील के पैन में शिफ्ट कर लूँ। तो अब ये देखिए घी जो मेल्ट हुआ है ना, तब पता चल रहा है इसका कलर कितना डार्क है। अब इसमें डालेंगे हम छाछ जो हमने बनाई है, छाछ बहुत ज़्यादा नहीं डालनी होती है, तो ये आपने ध्यान रखना है, अगर आपके पास एक लीटर घी है ना, तो आपने उसमें 100 से 150 ग्राम के करीब छाछ डालनी है, इसी हिसाब से छाछ इसमें मैं कम डाल रही हूँ। तो आधी छाछ डाल दी है, छाछ डालते ही इसमें ना काफ़ी छींटे उड़ेंगे, तो गैस को मीडियम और हाई मीडियम करके ना इसको कवर कर देंगे इस तरह से किसी जाली से, और थोड़ा सा दूर हो जाएंगे क्योंकि इससे अभी छींटे उड़ेंगे। इसको तब तक पकाना है जब तक कि छाछ जो है ना बिल्कुल अच्छी तरह से जल नहीं जाती है और इसमें से छींटे आने बंद नहीं हो जाते हैं। अब ये देखें, ये जो हमने इसमें छाछ मिलाई थी ये जल सी गई है, ये देखें, और छींटे भी आने बहुत कम हो गए हैं, तो इसका कलर भी काफ़ी अंतर हो चुका है। तो अब इसमें स्मेल भी वैसे तो काफ़ी कम हो गई है, लेकिन पूरी तरह से नहीं गई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें अब डालेंगे थोड़े से तुलसी के पत्ते, 4-5 तुलसी के पत्ते डाल लेने हैं, 2 हरी इलायची डाल देंगे, और ये मैंने 3 लौंग ली हैं जो आगे से फूल वाली हों, साबुत हो ना, वो ही डालनी है। तो इनको तीनों चीज़ों को डालकर ना थोड़ी देर हमने पकाना है, 2-3 मिनट पका लेंगे, जिससे कि इनका फ्लेवर वगैरह, इनकी खुशबू इस घी में आ जाएगी। इन तीनों चीज़ों का फ्लेवर खुशबू बहुत अच्छी रहती है, घी में जो स्मेल है वो भी हट जाएगी, और इन चीज़ों से अगर हल्की स्मेल भी आएगी ना, तो भी ये घी हमारा वेस्ट नहीं होगा, खाने लायक हो जाएगा। तो अब ये देखिए 2-3 मिनट तक मैंने इनको पका लिया है, अब गैस बंद कर देंगे, जब ये ठंडा होगा तो मैं आपको छान कर भी दिखाऊंगी। अब ये घी देखिए ठंडा हो गया है, जो इसमें हमने लौंग वगैरह डाली थी ये सारा कुछ जल गया है, और साथ में जो इसमें गंध था वो भी नीचे बैठ गया है। तो इसको छानेंगे तो बहुत आराम से छान लेंगे, इस तरह से कि ऊपर ऊपर से हम छान लें और हल्का सा जो नीचे गंध है ना वो ना आए इसमें। तो देखिए आप घी का कलर देखिए आप कितना अच्छा हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया, पहले से बिल्कुल लाइट कलर आ गया, पहले तो ये काला सा कलर हो रहा था, और इसमें अब बिल्कुल भी स्मेल नहीं है, बहुत ही अच्छा हो गया, घी खाने लायक हो गया, अब इसे आप आराम से यूज़ भी कर सकते हो। ये मेरी टिप है, रेनी सीजन में जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि बिस्किट नमकीन वगैरह सील जाते हैं, बिस्किट नमकीन का पैकेट हम खोलते हैं फिर उसको जब थोड़ा बहुत खाने के बाद पैक नहीं करते ना अच्छी तरह से, या फिर किसी एयर टाइट बॉक्स में नहीं रखते तो वो सील जाते हैं, तो उसको कैसे ठीक करें। ये मेरे पास बिस्किट हैं, देखिए बिल्कुल सील गए हैं, सॉफ्ट हो गए, ये खाने में बिल्कुल बेकार लगते हैं, तो इसको कैसे ठीक करेंगे।
वैसे तो आप इसे माइक्रोवेव में भी ठीक कर सकते हो, 2 मिनट तक माइक्रोवेव कर लेना, ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। नहीं तो आप अगर माइक्रोवेव नहीं है तो कैसे कर सकते हो, जो रोटी वाला तवा होता है ना, इसके ऊपर आपने रखना है बटर पेपर और इसके ऊपर रख दें बिस्किट्स। गैस बिल्कुल लो रखनी है आपने और 1 मिनट के बाद इनको पलटना है। 2 से 2.5 मिनट लगेंगे तो गैस को आपने करना है बंद। उसके बाद आपने 2-3 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ देना है। जब ये ठंडे होंगे ना, इसमें थोड़ी हवा लग जाएगी तो ये क्रिस्प हो जाएंगे। ये देखिए आप, मैं दिखा रही हूँ कितने क्रिस्प हो गए हैं, बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे नए हों। बिस्किट की तरह आप नमकीन को भी ठीक कर सकते हो, बारिश में तो नमकीन भी सील जाता है। तो इसको भी आप तवे के ऊपर रख कर 2 मिनट तक इसी तरह से लो फ्लेम पर हिला लेना। तो अब इसको भी ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा, थोड़ी हवा लग जाएगी ना, तो देखेंगे ये भी बिल्कुल फ्रेश हो गया है। तो वैसे आप चाहो तो इसको भी माइक्रोवेव में कर सकते हो। ये मेरी टिप है, ग्लास के बर्तन जो हम कांच के कप प्लेट वगैरह लाते हैं ना, इसके ऊपर स्टिकर लगे होते हैं, इनको उतारना आसान नहीं रहता है। नाखून से उतारें, नाइफ से उतारें, आसानी से उतरते भी नहीं हैं और निशान भी आ जाते हैं। तो इसको आसानी से निकालने के लिए मैं आपको एक टिप दे रही हूँ। तो ये मैंने लिया है नेल पॉलिश रिमूवर, ये देखें आपके पास भी होगा, सबके घरों में होता ही है। तो इसको आपने इस स्टिकर के ऊपर बस लगा देना है, इस तरह से देखें थोड़ा सा बस लगाना है, जैसे कि ये गीला हो जाएगा स्टिकर, और इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। 2 मिनट के बाद देखें आप, इसको मैं हटा रही हूँ, ईजिली निकल गया, बहुत ही आसानी से निकल गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा। और अब जो नेल पेंट रह गया इसके ऊपर, उसको कॉटन से साफ कर देंगे। तो देखें प्लेट आप, लग भी नहीं रहा कि इसके ऊपर कोई स्टिकर लगा था पहले। ये मेरी टिप है कि मार्केट से जब भी हम नमकीन बिस्किट के पैकेट लाते हैं और उसको खोलकर जब बच्चे पूरा नहीं खाते हैं, छोड़ देते हैं ना, तो ऐसे ही रखे रहते हैं, तो कई बार तो ये सील जाते हैं और कई बार इसमें चींटियाँ आ जाती हैं। तो इसको आप इस तरह की क्लिप से पैक कर सकते हो। देखिए ये क्लिप इजीली मार्केट में मिल जाती हैं, तो पैकेट जहाँ से खुला है वहाँ से इसे इस तरह से फोल्ड करें और ऊपर लगा दें, लॉक हो जाती हैं। ये बहुत अच्छी क्लिप रहती है, अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं जाती है। तो इसमें एक बड़े साइज़ की भी क्लिप आती है, चाहे तो आप वो ले सकते हो। तो ये देखिए मैंने बड़ा पैकेट जो था उसको ऊपर से थोड़ा कट कर दिया और फोल्ड करके लगा दिए क्लिप को। फ्रेंड्स, इनमें से आपको कौन सी वाली टिप अच्छी लगी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।